हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको व्हाट्सएप के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। व्हाट्सएप का जो अपडेट आया हुआ है उसमें एक फीचर जो आया है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड ये जो फीचर मुझे पहले देखने के लिए नहीं मिल रहा था, और इसके आ जाने से मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स को ढूंढने में, अपने कंटेंट्स को ढूंढने में, अपने जो PDF फाइल होती है, डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, इमेजेस होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, ऑडियोज़ होते हैं, वो सारी चीज़ ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूँ ताकि आपको भी इसके बारे में पता चल जाए। सो फ्रेंड्स, क्या है इस अपडेट में और किस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे, किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले बटन को दबा करके आप ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के वे शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपको अपना WhatsApp ओपन कर लेना है एंड आपको चले जाना है चैट वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप चैट वाले ऑप्शन में चले जाते हैं, ऊपर में आपको एक सर्च का आइकन दिखाई देता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल क्यों करते होंगे, मीन्स जब भी आपको कोई कॉन्टैक्ट ढूंढना हो, किसी को ढूंढना हो, तो आप यहाँ पे सर्च को क्लिक करते हैं एंड उस बंदे का नाम लिखते हैं और वो आपके लिस्ट में शो हो जाता है। अब ये जो सर्च का बार है, ये जो सर्च का आइकन है, इसे मॉडिफाई कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट को ढूंढने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आराम से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से आप ये करेंगे। तो सिंपल, जैसे आप इसे सर्कल पे क्लिक करते हैं जो सर्च बार में, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए दिख रहा है बहुत सारा। पहले ये जो ऑप्शन थे ना, ये सारे दिखाई नहीं देते थे। अब आपको फोटोज, वीडियोस, लिंक्स, GIF, ऑडियोज, डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। इनका काम क्या है फ्रेंड्स, मीन्स जो भी फोटोज आपकी लेन देन हुई है व्हाट्सएप के माध्यम से, वो सारी फोटोज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। जो भी वीडियोस, लिंक्स, GIF, ऑडियोज, डॉक्यूमेंट जो भी शेयर किया है आपने किसी भी बंदे से, वो यहाँ पे डायरेक्टली आपको शो होगी। ये बहुत ही अच्छा किया है इन्होंने, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि हमने किसी क्या भेजा हुआ था और फिर हमें याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको इस सर्च वाले जो बार है उस पर क्लिक कर देना है। एंड मान लीजिए आपको फोटोज चेक करनी है, तो आप सिंपली आप फोटोज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फोटोज़ पे क्लिक करेंगे, आपने जितनी भी फोटोज़ लेन देन की होंगी ना, वो सारी की सारी फोटोज़ यहाँ पे आपको शो होने लगेंगी। और उसके बाद में उसी तरह से सिंपल यहाँ पे देखिए वीडियोस का जो ऑप्शन है, वीडियो पे क्लिक करके देखिए, अब जितनी वीडियोस आपने शेयर की होंगी सारी वीडियोस यहाँ पे शो हो जाएंगी। चाहे वीडियोस आपने भेजी हो, चाहे वीडियोस आपने ली हो, किसी ने आपको भेजी हो, सारी की सारी वीडियोस यहाँ पे शो होनी चालू हो जाएगी। सेम टू सेम आपको GIF, डॉक्यूमेंट सबके साथ यही होने वाला है। जो भी आपने भेजा है, जो भी आपने रिसीव किया है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको नेम के साथ मिलेगा, तो जैसे कि किस बंदे ने आपको भेजा है वो आराम से पता चल जाएगा। अब देख सकते हैं, मैं मुझे ऑक्सीवन से एक आया हुआ था। एंड देखिए मुझे किस किस बंदे ने भेजा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। तो इजी पड़ जाता है ना कि किस बंदे ने क्या भेजा है, आराम से हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एंड नाम लिख करके तो हमें सर्च करना ही है, वो तो हम करते ही हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट था, ये शायद बहुत सारे मोबाइल्स पे नहीं आया हो, बहुत सारे व्हाट्सएप पे नहीं आया हो, तो मेरे में आया है क्योंकि मैं एक बीटा यूज़र हूँ। मैं व्हाट्सएप का बीटा वर्जन यूज़ करती हूँ, इसलिए जो भी अपडेट्स आते हैं मुझे कुछ दिन पहले मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास नहीं आया है तो वेट कर लीजिए, आप एक बार व्हाट्सएप को अपडेट करके देख लीजिए, आपको भी ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिससे डायरेक्टली आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, ऑडियोज़ को, जो भी है, आप आराम से चेक कर पाएंगे कि कौन से बंदे ने आपको क्या ऑडियो भेजा है। आप बिल्कुल ही आराम से चेक कर पाएंगे, बंदे का नाम दिख जाएगा आपको कि किसने आपको क्या भेजा हुआ है। तो फ्रेंड्स, बस यही छोटी सी अपडेट थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा अपडेट मुझे लगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये छोटी सी वीडियो बस यही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो भी अपडेट होंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी इसी चैनल पर जिसका नाम है एनी क्रिएशन। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।